हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल पेट ड्रीम्स ब्लॉग। तो आज मैं लेके आई हूँ आप सबके लिए माय अनदर ड्रीम प्रोजेक्ट, रेस्ट्रो बार कम डाइनिंग। तो ये मेरा ड्रीम था कि मैं अपने घर में किसी भी एक कॉर्नर में रेस्ट्रो बार थीम लुक ऐड करूँ। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं डाइनिंग एरिया में इसे क्रिएट करूँ। तो फ्रेंड्स, हमें रेस्ट्रो बार एरिया के लिए क्या चाहिए होता है? कुछ लाइट्स, हैंगिंग लाइट्स, कुछ फर्नीचर्स, बॉटल्स, ग्लासेस, बार कैबिनेट्स एंड कुछ पेंटिंग्स। तो देखिए मैंने क्या किया है, तो चलो चलते हैं। तो ये है मेरा डाइनिंग एरिया, ये वॉल है मेरे डाइनिंग एरिया की। तो सबसे पहले मैंने इसमें वॉलपेपर ऐड किया, जो कि ब्रिक वाला वॉलपेपर है मैंने लिया है, और ये बहुत अच्छा निकल के आया है। ये कॉर्नर जो है बिल्कुल ही है कि 3D लुक देता है, 3D कॉर्नर लगता है, और ये बहुत ही अच्छा लगता है सबको। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे एक पेंटिंग ऐड किया है, जो कि मैंने करोल बाग से परचेज़ किया है। ये अपने आप में एक बहुत ब्यूटीफुल पीस है। ये वुड में क्राफ्टिंग का काम हो रखा है इसमें, और ये एक बाइक बनी हुई है। देखिए फ्रेंड, ये अपने आप में कितना डिफरेंट और ब्यूटीफुल, एक बहुत ही प्यारा सा पीस है। इसकी डिटेलिंग देखिए कितनी अच्छे से की हुई है। इसकी व्हील्स देखिए, ऑयल टैंक, हैंडल्स, इंजन, ये बैक वाला व्हील देखिए आपको कितना अच्छा उभर के एकदम से व्हील, ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल रियल की बाइक लग रही है। और इसका रस्टिक कलर देखिए, कहीं कहीं इसमें मेटेलिक कलर दे रखा है, कहीं रस्टिक लुक है। तो ये बिल्कुल ही ऐसा था कि बस इसको एकदम ग्रैप से ग्रैप कर लो, और ये बिल्कुल ही मेरी थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही जेल कर रहा था। तो मैंने इसको परचेज़ कर लिया है, और ये मेरी शॉपिंग जो है करोल बाग की है, जैसे कि मैंने आपको बताया है। तो हम जा रहे हैं अपनी सेकंड परचेज पर। ये जो है एक कैबिनेट है जो मैंने अमेजोन से परचेज किया है। ये फ्रेंड्स ग्लासेस एंड मग्स रखने के लिए है, बट इसको देखिए मैं कैसे यूज़ करती हूँ। और एक कॉर्नर में जो एक ये लैम्प है, ये मैंने लोकल मार्केट से परचेज़ किया है। और ये जो कॉर्नर है टेबल, ये मैंने अमेजोन से परचेज़ किया था। तो देखिए अब हम इसका कैसे मेकओवर करते हैं। तो चलिए, तो जो ये कैबिनेट है, ये किचन के लिए था, मल्टीपर्पज़ है। तो मैंने इसमें क्या किया है, पहले मैंने क्या किया है, मैंने कुछ ग्लासेस परचेज किए थे जो कि वाइन ग्लासेस होते हैं, और बियर मग्स। तो पहले मैंने उसको इसमें हैंग किया, देखिए कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। ये वाइन ग्लासेस हैं, और ये साइड में आप देखिए बियर मग्स हैं। तो फिर मैंने बाद में कुछ बॉटल्स थी जो मेरे हस्बैंड की रखी थी अंदर, निकाल के उनको भी यहाँ रख डाला। और ये वाइट बॉटल जो आप देख रहे हैं ना, ये बॉटल में है फेनी जो है गोवा की, और ये मेरे हस्बैंड के फ्रेंड ने उन्हें गिफ्ट किया, ये मेरी फेवरेट बॉटल है। और ये कॉर्नर देखिए, ये लाइट वाला कॉर्नर है, बहुत ब्यूटीफुल निकल के आया है। और सेकंड इस कॉर्नर में मैंने ये रखा है कार्ट में कुछ बॉटल्स एंड डॉल ग्लासेस, ये बहुत ऑसम एक लुक लग रहा है इसका कॉर्नर का। ये जो ब्लू वाला लैम्प है, ये मेरा होम सेंटर का परचेज है, इसमें मैंने रखी है कैंडल। देखिए फ्रेंड्स, ये कॉर्नर कितना अच्छा निकल के आया है। ये लैम्प देखिए, इसके बारे में मैं आपको आगे बताती हूँ। ये देखिए हैंगिंग लैम्प, बहुत प्यारा ये कॉर्नर निकल के आया है, जैसे कि बार में होती है लाइटिंग, ये पेंटिंग आ गई यहाँ पे। बहुत ही अच्छा ये रेस्ट्रो बार लुक निकल के आ रहा है। अब मैं आपको बताती हूँ इस लैम्प के बारे में। तो ये मैंने दिल्ली से लिया था, इंटरनेशनल ट्रेड फेयर से। ये आंध्रा का है, इसमें जितना भी जो ये काम हो रखा है, ड्राइंग, पेंटिंग एंड कलर्स एंड ऑल दैट, ये सब ये हैंडमेड है। देखिए इसे कितनी अच्छे से डिटेलिंग की हुई है, और ये काफ लेदर में बना होता है। बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही ब्यूटीफुल पीस था, तो इसे भी मैंने ग्रैब कर लिया है, और ये मेरे थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल जेल कर रहा था। तो इसे मैंने यहाँ पे जो मैंने कॉर्नर टेबल लिया था वहाँ रख दिया है। तो अब ये देखिए, ये मेरे फैन की लाइट इसमें पड़ रही है मेरे डाइनिंग टेबल पर। तो ये मेरा है डाइनिंग टेबल, जो कि मैंने लिया है होम सेंटर से। तो फ्रेंड्स, इस टेबल के साथ जो चेयर आई थी वो थी सिल्वर कलर की, जो बिल्कुल भी जेल नहीं कर पा रही थी मेरी इस थीम के अकॉर्डिंग। तो मैंने क्या किया, उसको कहीं और सेट कर दिया, और मैंने चार चेयर ले ली हैं वुडन की फर्नीचर मार्केट से, ब्राउन कलर की, जो कि मेरी थीम के अकॉर्डिंग बिल्कुल सूट कर रहा था। तो देखिए मेरा ये लुक क्या निकल के आया है।
तो फिर मैंने यहाँ पे रखा है फ्लावर वास, एंड ये जो मैट्स आप देख रहे हैं ना, ये भी बैम्बू के हैं और ये बिल्कुल मैच कर रहा है थीम के अकॉर्डिंग, ब्राउन एंड लाइट ब्राउन कलर का बिल्कुल मैच कर रहा है। देखिए क्या निकल के आया मेरा ये लुक। कॉर्नर का ये मेरा डाइनिंग, छोटा सा रेस्ट्रो बार डाइनिंग लुक है। तो देखिए ये फ़ैन जो है, ये उषा का फ़ैन है, और ये मैंने लाइट वाला फ़ैन इसलिए परचेज़ किया, इसके पीछे रीज़न ये था कि जैसे आप रेस्टोरेंट जाते हो तो आप देखते हैं ना कि फ्रेंड टेबल के ऊपर एक लैम्प होता है, वो कितना प्यारा सा लुक देता है, तो मुझे वो यहाँ पे क्रिएट करना था। तो टेबल को मैंने बिल्कुल फ़ैन के नीचे ही प्लेस किया है। देखिए लाइट वाला कॉर्नर कैसे निकल के आया है, हैंगिंग लाइट है, ये लैम्प है मेरा स्टैंड के ऊपर कॉर्नर में, नीचे बॉटल्स रखी हैं टॉल ग्लासेस के साथ, और उसके नीचे रखा है एक मैंने कैंडल वाला लैम्प। तो ये बहुत ही अच्छा है कॉर्नर अपने आप में निकल के आया है। साइड और साइड में जो ये कैबिनेट है, इसमें जो रेड बॉटल्स हैं ये मेरी होम सेंटर की परचेज है, और जो ग्रीन कलर का हुक्का है ये इसके लुक को और ज़्यादा एनहेंस करता है। तो देखिए क्या लुक निकल के आया है। एट द एंड मैं आपको बस यही बोलना चाहूँगी कि देखिए हमने कैसे एक लिमिटेड बजट में और लिमिटेड प्लेस में कैसे अपने ड्रीम्स को फुलफिल किया है, रेट्रो बार कम डाइनिंग एरिया को। तो अगर हम इसको वुड में जाते, वुड का ऑप्शन अगर हम इसमें चूज़ करते कैबिनेट के लिए, तो वो हमको 50 to 60 अराउंड पड़ जाता मार्केट में, और वो जगह भी ज़्यादा ऑक्यूपाई करता है। और हमने उसकी जगह हमने जो आयरन का लिया है ये ऑनलाइन अमेजोन से, तो ये वॉल माउंट है, तो इसको हम हैंग कर सकते हैं, मल्टीपर्पज़ यूज़ कर सकते हैं, और ये जगह भी कम ऑक्यूपाई करता है क्योंकि ये हैंग हो जाता है, और एक ये बहुत अच्छा सा डिफरेंट लुक लगता है। तो इसको हम बोल सकते हैं कि हमारी स्मार्ट शॉपिंग है। तो ऐसे ही फ्रेंड्स हम स्मार्टली शॉपिंग करके थोड़ा सा अपना क्रिएटिविटी अपनी ऐड करके अपने ड्रीम्स को पूरा कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके भी बताना आपको मेरा ये ब्लॉग कैसा लगा है, और आप नेक्स्ट क्या देखना चाहेंगे। आप कमेंट करेंगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। बी काइंड टू योर माइंड, डोंट डाई विद ड्रीम्स, डाई विद योर मेमरीज। बाय बाय, लव यू ऑल। Mankind won't be destroyed.
and I are working here today. It's evidence of that.